Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Welcome to Being Love. Thank you. हम लोग पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे बीइंग लव बीइंग लव बीइंग लव और उसमें एक मिलती जुलती एक बात है जो मुझे भी मतलब सूट नहीं कहूँगा मेरा भी ऐसे कुछ ख्याल है ये कहता है कि इज योर लाइफ मेरली अ रेपिटेशन ऑफ रेपिटेशंस क्या मैं वही कर रहा हूँ जो कल किया परसों किया तरसों किया मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि ये एक चीज बदलने में इतनी मुश्किल क्यों जबकि ये ओरिजिनलिटी हमारी ओरिजिनली ही हम हैं ही लव बीइंग लव अगर मैं वही हूं तो उसे वापस ओरिजिनलिटी में लाने में इतना तकलीफ क्यों इज योर लाइफ मेयरली अ रेपिटेशन ऑफ रेपिटेशंस Do you simply repeat your favorite ways of thinking, feeling, and behaving? Or are you willing to get off the old treadmill and start a new life? So beautiful, no? Is your life a repetition of repetitions? Kitne saal ho gaye, usi tarah se sochna, usi tarah se behave karna, usi tarah se chalte jana, aur phir bhi wohi cheeze dhoondte jana. So it asks us a very beautiful question. Is your life going to continue like this? Just a repetition of repetitions? Or are you ready to get off the daily treadmill? ये मैं मुझसे पूछ रहा हूँ. ये हर एक अपने आप से अभी पूछेगा. क्या हमारी जीवन वैसे ही चलनी है जैसे चलती आई है Same way of thinking, feeling and behaving? तो फिर result भी same होगा. जैसे कहते हैं इफ यू डू व्हाट यू ऑलवेज डन यू विल गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट उसके लिए भी एक स्टेप और पीछे जाए इफ यू थिंक व्हाट यू ऑलवेज थिंक देन यू विल डू व्हाट यू ऑलवेज डू एंड देन यू विल गेट व्हाट यू ऑलवेज गेट तो अगर हम वैसा ही सोचते जाएंगे वो ही करते जाएंगे जो हम करते आए हैं तो रिजल्ट भी वो ही बनता जाएगा कई जानबूझ के करता है इंसान जब चेंज करना चाहता है अपने आप को कोशिश करता मेहनत करता है फिर वहीं आ जाता है तो क्या उसमें उसके इंसान की क्या गलती है जानबूझ के तो नहीं करता है अभी एक आदत है एक आदमी को ऐसे 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 करने की वो कई बार सोचता है कि ऐसे ऐसे नहीं करो फिर हाथ चला जाता है ना मुख से बातें निकल जाती हैं मुख से बात अगेन वी आर कमिंग बैक टू मुख से बात निकल जाती है आपने कहा मुख से बात वही निकलेगी जो सोच में होगी पहली बात तो मुख से कुछ निकल ही नहीं सकता जो सोचा और डिसाइड किया वो भूल क्यों जाता है जो सोचा और डिसाइड किया वो डिसाइड ही नहीं किया है अभी तक उसको पक्का किया ही नहीं है अभी तक वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द ओल्ड वेज ऑफ लिविंग एक तरफ से डिसाइड किया कि गुस्सा नहीं करना है और दूसरी तरफ से जैसे ही परिस्थिति आई तो थॉट ये क्रिएट की कि इनको गुस्सा किए बिना ये समझेंगे नहीं ये सीखेंगे ही नहीं उल्टा भी हो सकता मैं गुस्सा किए बिना रह नहीं सकता हाँ तो वो रह नहीं सकता कि पीछे भी रीजन वही है क्योंकि वो बिलीव सिस्टम ये है कि सामने वाला सुधरेगा नहीं इसके बिना मुझे अपना काम करवाना है उसे सुधारना है उसे समझाना है तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा तो वो संस्कार तो ऑलरेडी है वो संस्कार हमारे पास है द मिनट आई क्रिएट अ थॉट दैट संस्कार गेट्स ट्रिगर्ड Where are we trying? And that's why it's asking us a beautiful question. Are you simply going to live your life like this? Yeah, aaj jaise hum itne pichle kuch episodes mein dekh rahe hain ki kuch aisi cheeze jinko hame badalna zaruri hai taki hamari taakat phir se hum regain kare. Kyun hum jo badalna chahte hain wo badal nahi pa rahe? Like you said, I might decide that I want to change, but I'm still not able to change because I'm weak. Jo weak hoga वो सोचेगा भी चेंज होने का तो वो चेंज हो नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास वो चेंज होने के लिए ताकत नहीं है नॉलेज है तो जब तक आत्मा में वो ताकत नहीं आएगी वापस सिर्फ एक डिसीजन से परिवर्तन नहीं आने वाला है इसीलिए जो हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में छोटी छोटी चीज़ें देखी उन पर ही अटेंशन रखना शुरू कर दे सिर्फ तो आत्मा की ताकत बढ़ती जाएगी ताकत बढ़ाना सिर्फ अच्छी बातें पढ़ना सुनना
शेयर करना, उससे परिवर्तन नहीं आएगा। फिर आज हर एक दूसरे को ब्यूटीफुल मैसेजेस भेज रहा है, अपने व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, ट्विटर पे डाल रहे हैं, ईमेल पे भेज रहे हैं। जैसे कोई अच्छी बात पढ़ी, अच्छी लगी, फटाफट सबके साथ शेयर की और भूल गए, सबके साथ शेयर की और भूल गए। जिन जिन ने शेयर मिली उन्होंने भी औरों के साथ शेयर की, एंड वेरी सून यू विल गेट द सेम मैसेज कमिंग टू यू फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट पीपल। वही तो कह रहा हूँ, शेयर किया और भूल गए। शेयर करके उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। सुना, पढ़ा, सुनाया, शेयर किया, यूज नहीं किया जी। यूज करने के टाइम वही यूज किया जो हमेशा यूज करते आए हैं, पुराना तरीका। सुना, टू फॉरगिव, यूज करने के टाइम हाउ कैन आई फॉरगिव, ये बात ही इतनी बड़ी थी, मैं कैसे उसको छोड़ सकती हूँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो जो सुना और जो पढ़ा और जो यूज किया, इट्स नॉट इन हार्मनी। तो सिर्फ सुनने और पढ़ने से आत्मा में ताकत नहीं आएगी। हम कहते हैं हम ये सत्संग में गए, हमने ये क्लास की, हमने ये वर्कशॉप की, मैंने ये बुक पढ़ी। आज मैक्सिमम बुक्स जो बिक रही है मार्केट में, दे आर सेल्फ हेल्प बुक्स, विच मीन्स द डिजायर इज देयर, वी वॉन्ट टू डू इट। आज सब आप वर्कशॉप्स करें, ट्रेनिंग करें, इट्स एवरीथिंग टू डू विद सेल्फ डिवेलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सुना पढ़ा, इतना कुछ सुना पढ़ा, उसमें से कोई एक बात तो लेनी है यूज करने के लिए। अगर पूरे दिन में एक बात भी यूज नहीं की, मतलब पुरानी चीजें यूज की। सी, जो हमने पहले भी देखा कि किचन के शेल्फ पर दोनों सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, ओरिजिनल क्वालिटी के भी इंग्रेडिएंट हैं, पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, अक्वायर्ड संस्कार के भी इंग्रेडिएंट्स हैं, एंगर, इरिटेशन, फियर, इनसिक्योरिटी, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। विच मीन्स हर आत्मा के ऊपर दोनों संस्कार है। लेट्स से जस्ट टेक वन सेट, पीस का संस्कार, गुस्से का संस्कार, ये हर आत्मा के ऊपर है। नाउ द सोल, जो हम कहते हैं आई द बीइंग, द सोल इज माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। मन थॉट क्रिएट करेगा, बुद्धि निर्णय लेगी, हम उसको कर्म में लाएंगे। जब हम उसको कर्म में लाएंगे तब वो संस्कार बनेगा। हमने पीस की थॉट्स पढ़ी, पीस की थॉट्स क्रिएट भी की, इंटेलेक्ट ने डिसीशन भी ले लिया कि आई वॉन्ट टू बी पीसफुल, लेकिन संस्कार नहीं बनेगा पीस का जब तक मैंने कोई कर्म नहीं किया शांति से। सोचा, लिखा, पढ़ा, सुनाया, कर्म में नहीं आया, संस्कार नहीं चेंज होगा। वी आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम चेंजिंग आवर संस्कार, ओनली वन स्टेप अवे। And that step is, जो सुना, जो पढ़ा, उसको इमीडिएटली उसी दिन कर्म में लाना होगा, नहीं तो वो इंग्रेडिएंट पीछे ही रह जाएगा, और कर्म में जो लाया, वो गुस्सा किया, वो इंग्रेडिएंट आगे ही रह जाएगा। दोनों ग्रूव्स हैं, जो शांति का ग्रूव है वो थोड़ा फीका हो चुका है, जो गुस्से का ग्रूव है वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है। नाउ सपोज आई क्रिएट अ थॉट, आई एम अ पीसफुल सोल, I am a loveful being. Love is my original nature. Thought create kiya, decision liya ki aaj main sara din sabke saath pyar aur shanti se rahenge. Lekin jaise hi bahar aaye karam mein, agar attention nahi rakha, ek baar bhi ab agar gussa kar diya, wapis gusse wala ingredient shishi aage aage. वापिस वही शीशे आगे आगे, वापिस वही ग्रुप स्ट्रांग हो गया, वो पहले ही स्ट्रांग था, एक बार भी फिर किया वो फिर स्ट्रांग हो गया, फिर थॉट क्रिएट किया आई एम अ पीसफुल सोल, फिर मेडिटेशन में बैठे एक घंटा कहा आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, फिर कर्म में आए, फिर इरिटेट हो गए, थॉट वहीं का वहीं रह गया, और फिर ये सोचा कि मुझसे तो नहीं होता भाई, तो वो तो आई एम अ वीक सोल है। फिर उसको फिर स्ट्रांग कर दिया, उसी स्ट्रेंथन कर दिया उसी कमजोर संस्कार को। तो हर रोज सुबह के समय जो अपने साथ बैठे, रिफ्लेक्ट करें, कुछ डिसीशन ले, डे की प्लानिंग करें कि हाउ एम आई गोइंग टू बी टुडे द होल डे। आज हम सब के पास लिस्ट है कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू द होल डे टुडे। उस डायरी को हम कहेंगे टू डू लिस्ट। हाँ जी, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सुबह से रात तक की अपॉइंटमेंट लिस्ट फिक्स्ड है,
इनफैक्ट कई महीनों की अपॉइंटमेंट लिस्ट फिक्स्ड है, कई उनको तो आपको अगले साल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उनकी टू डू लिस्ट फिक्स्ड है, लेकिन वो सब कुछ करते हुए हाउ एम आई गोइंग टू बी, वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बीइंग लव, बीइंग मतलब हमको लव से ही ये सब टू डू लिस्ट करनी है। ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू डू थिंग्स, कितना अच्छा होता ना मार्केट में कहीं लव मिल जाता, खरीद से ले आता, वही तो कोशिश कर रहे थे कि मार्केट में मिल जाता, लोगों से मिल जाता, चीजों से मिल जाता। अभी हमने क्या किया, लिस्ट को ऑपोजिट कर दिया था, हमने सोचा हम करेंगे, वी विल डू दिस सो वी विल फील नाइस, व्हेन आई डू दिस वर्क आई विल फील गुड, तो हमने सोचा डूइंग करेंगे तो बीइंग अनुभव होगा, और करना क्या था, बीइंग अटेंशन रखना था और उसको डूइंग में लेकर आना था, जब बीइंग को डूइंग में लेकर आएंगे तब उसको एक्सपीरियंस करेंगे। अभी डूइंग करते गए करते गए करते गए करते गए, डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस, एंड सोचा बीइंग, और रिजल्ट क्या हुआ, इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ अचीव कर लिया, और फिर कहा अंदर तो खाली खाली है, क्योंकि बीइंग पर तो अटेंशन नहीं रखा कि हाउ विल आई बी। तो सपोज आपने जैसे कहा 9 to 10 मीटिंग है, सो दैट्स माई टू डू लिस्ट कि 9 to 10 दिस मीटिंग इज देयर। अब उस टू डू लिस्ट के साथ एक कॉलम और ऐड करें, हाउ विल आई बी ड्यूरिंग दिस मीटिंग, ये अटेंशन। हमने तो सिर्फ ये सोचा मीटिंग है, मीटिंग में क्या बोलना है, क्या करना है, अपनी बात कैसे मनानी है, क्या डिसीशन लेना, सब टू डू। हाउ विल आई बी ड्यूरिंग दिस मीटिंग, तो क्या क्या हम टू बी लिस्ट में क्या लिख सकते हैं, हाउ विल आई बी ड्यूरिंग दिस मीटिंग, आई विल बी पीसफुल, आई विल बी पीसफुल, आई विल बी लवफुल। अब हम अपने आप को विजुअलाइज करें कि हाउ विल आई बी ड्यूरिंग दिस मीटिंग, शांत रहेंगे, इसका मतलब अगर मेरी राय नहीं भी मानी जाएगी, एजिटेटेड नहीं होगा, एजिटेटेड अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, पेशेंट रहेंगे, आई विल बी पेशेंट ड्यूरिंग दिस मीटिंग, ऐसा नहीं मुझे मेरी बात ही जल्दी सभी माने, तुरंत मैंने कहा और सबने स्वीकार कर लिया क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वही राइट है, नहीं। आई विल बी लविंग ड्यूरिंग दिस मीटिंग, विच मीन्स दूसरों की राय को भी मैं प्यार से सुनूंगा, मुझे वो राय ठीक भी नहीं लग रही होगी तो भी मैं प्यार से समझूंगा क्योंकि उनके हिसाब से वो राइट है। सो आई विल बी लवफुल ड्यूरिंग दिस मीटिंग, आई विल बी हम्बल ड्यूरिंग दिस मीटिंग, मेरी क्वालिटी ह्यूमिलिटी की होगी इस मीटिंग के अंदर, मतलब अगर मेरी बात नहीं भी मानी जाए मेरी किसी के प्रति कोई नाराजगी नहीं, हर एक के प्रति रिस्पेक्ट। टू बी लिस्ट तैयार हो गई। एक तो हेड होता है डिसीजन लेने में और डिसीजन को दूसरे आदमी को भी तो फॉलो भी तो करना है ना, ये नहीं है कि कोई कुछ भी करे, लेकिन जब हम मीटिंग में बैठे हैं हमें औरों की बात सुनना, उतनी पेशेंस होनी चाहिए। आज तो लोगों के पास पेशेंस नहीं है किसी की बात सुनने के लिए, जैसे ही दूसरा बोलने लगेगा अपनी बात कह देंगे क्योंकि वे सो अटैच्ड के मेरी बात राइट है, और इसीलिए कई बार मीटिंग एक डिस्कशन नहीं, एक डायलॉग नहीं, एक आर्ग्यूमेंट बन जाती है क्योंकि हर एक इतना अटैच्ड है अपने राइट से, दूसरे की बात समझने की धैर्यता नहीं है, सुनते भी नहीं है। तो एनर्जी कैसे एक्सचेंज होगी फिर उस मीटिंग के अंदर, रिलेशनशिप्स क्या बनेंगे, मेरी स्थिति क्या बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कोई भी कुछ भी करे, अगर आप अथॉरिटी फिगर हैं भी उस मीटिंग के अंदर, चाहे वो एक वर्क प्लेस पे है चाहे वो एक फैमिली में है, सबकी बात को धैर्यता से सुनना, ह्यूमिलिटी से उनकी बात को रिस्पेक्ट करना, उनको भी वो प्यार देना, उनको भी एम्पावर करना, उनको भी इंस्पायर करना सही दिशा में सोचने के लिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या परिवार के लिए ठीक है। फिर भी अगर आपको डिसीजन अलग देना है जो किसी के साथ मैच नहीं करता है लेकिन विच यू नो इज राइट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर योर फैमिली, उसको भी बड़े प्यार से असर्टिवली रख देना, लेकिन डिस्टर्ब होना कहाँ आया बीच में, एजिटेट होना कहाँ आया ऑप्शन बीच में। इवन इफ व्हाट एवरीबडी सेड इज नॉट राइट एंड व्हाट योर डिसीजन यू टेक दैट इज राइट, लेकिन उसको भी तो एक कहने का और करने का तरीका। मैंने संतों को लड़ते हुए देखा है जो प्रीच करते हैं पीस एंड लव,
तो फिर आर्गुमेंट में भी लड़ते हुए देखा है। अगर कोई और कर रहा है हमें भी सेम करना है? करने की बात नहीं करो, मैं ये बोलो इतना बेसिक नेचर ये स्ट्रांग है। बिकॉज ये नो नेचर स्ट्रांग नहीं है, बिगड़ जो चुका है, शीशी आगे आ चुकी है। हाँ, एंगर की शीशी आगे आ चुकी है, अटैचमेंट के मेरी बात राइट है वो वाला इंग्रेडिएंट आगे आ चुका है। किस किस को सिखाएंगे? सपोजिंग आप एक लाख आदमी के साथ, एक को सिखाना है सिर्फ, नहीं एक वो को मुझे, सिखाना मुझे, बस ऐसे नहीं होता, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है। अगर एक लाख आदमी के साथ मुझे डिस्कस करना है, डील करना है रोज, और मैं अकेला आपकी आपकी वाली ज्ञान को लेके चलता रहूं, बाकी 99 ऐसे के ऐसे, इज इट पॉसिबल फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल? अगर आपके आसपास सारे लोग बीमार हैं, क्या आप अपना ध्यान रखेंगे? लेट्स से एक घर में चार लोग हैं, चलो एक लाख नहीं, चार लोग हैं सिर्फ, ठीक है, फैमिली ऑफ फोर। अगर चार लोग आज इकट्ठे डिनर करने जाते हैं और उस डिनर में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कल तीन लोग बीमार हो जाते हैं, ओके, सपोज आप एक है जो बिल्कुल ठीक है अभी, एंड फैमिली के बाकी तीन मेंबर्स आर नॉट वेल, वो बीमार हो गए, किसी को फीवर, किसी को वॉमिटिंग, किसी को कुछ और, दे आर ऑल ऑन द बेड, आप एक ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है अभी, एक आप अकेले तीनों का ध्यान रखेंगे, किसी को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, किसी के लिए खाना बनवाएंगे, किसी के लिए तो शायद खुद ही कुछ बनाएंगे, बहुत मेहनत है, लॉट ऑफ एफर्ट, कि आप एक, आपको तीन का ध्यान रखना है। दूसरा ऑप्शन है आप भी बेड पर लेट जाए, आप बोले मैं भी बीमार, चलो, विच वन विल यू चूज? I'd rather be not the bimar one. No, it's not the bimar. Wouldn't you want to take care of the other members Definitely. Of the family? तो फिर ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ये ह्यूमन नेचर है कि मुझे औरों का ध्यान रखना है। तो उल्टा उस टाइम हम क्या करेंगे कि मैं अपना ध्यान रखूं ताकि मैं सबका ध्यान रख सकूं। मैं बीमार नहीं पड़ सकता, द केयर गिवर कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल इल। अगर ध्यान रखने वाला ही बीमार पड़ गया तो औरों का ध्यान कैसे रखेंगे? अब सेम चीज, अगर आपके घर में तीन फैमिली मेंबर्स इमोशनली बीमार हैं, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी के अंदर धैर्यता नहीं है, किसी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत लो है, वो बहुत जल्दी जल्दी बुरा फील करते हैं, जल्दी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों पे रिएक्ट कर जाते हैं, ये तीन फैमिली मेंबर्स हैं जो बीमार हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने से जल्दी जल्दी आदमी को गुस्सा आता है, जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे ना हम, रियली, क्योंकि लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, मुझे एक छोटी छोटी बात पे फील, यानी कि मैंने खुद पहले अपनी नहीं की। Because if I do not, again it comes back to, if I do not respect myself, I will always be expecting respect from other people. And जैसे ही दूसरे कुछ ऐसा करेंगे जो मुझे लगेगा कि उन्होंने मेरी respect नहीं की, I will react. इसीलिए इतने दिन से हम यही देख रहे हैं, अपने आप को वो दें जो दूसरों से चाहते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट। मैंने तो सुना था कि लोगों को वो दें जो दो उनसे तुम चाहते हो, लोगों give respect को, and take respect. Yeah, very good, okay, give respect. लेकिन give respect देने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? अपने पास होना चाहिए, अपने पास होनी चाहिए ना, खुद खाली होंगे, खुद ही ऐसे खड़े होंगे कि यू गिव मी रिस्पेक्ट, सपोज आई से यू गिव मी रिस्पेक्ट, वो बोलेगा यू गिव मी, तो फिर देने का काम कौन करेगा? गिव रिस्पेक्ट है ना। एंड जो आपने कहा ना गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इट्स एक्चुअली नॉट गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इट्स एक्चुअली टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। क्यों गिव एंड टेक बनाया? कि जो आप दूसरों को देंगे, टेक रिस्पेक्ट फ्रॉम विद इन, हम क्यों ये लाइन बोलते हैं? ये लाइन का सिर्फ भाव, टेक रिस्पेक्ट कहां से? अपने अंदर से, क्योंकि मीनिंग क्या है उसका? गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ये सुना, गिव लव टेक लव, मतलब जो आप देंगे वो आपको मिलेगा, यही मीनिंग था उसका, जो आप देंगे Correct. वो आपको मिलेगा, परफेक्ट, जो अब इसको पकड़ ले, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन राइट रखनी थी, हमने सोचा जो आप देंगे वो आपको मिलेगा, तो हमने सोचा मिलेगा कहाँ से? दूसरे से, सामने वाले से, बट एक्चुअली रियलिटी क्या थी? जो आप देंगे
वो आपको मिलेगा। जब आप गुस्सा देंगे तो सबसे पहले किसको मिलेगा? मुझे। तो जब आप प्यार देंगे तो वो किसको मिलेगा? जब आप औरों को रिस्पेक्ट देंगे वो किसको मिलेगा? तो जो आप देंगे, गिव एंड टेक इज फाइन, बट गिव एंड व्हाइल गिविंग यू आर टेकिंग। Actually, while giving, you're taking first and then giving. So that's why it's actually not give and take. It's take and give. So जो आप खुद experience करेंगे, वो automatically radiate करेंगे. इसीलिए हम इतने दिन से यही बात कर रहे हैं कि first most important relationship with the self. तो again we come back to the same thing कि आपके परिवार में तीन लोग बीमार हैं emotionally. जी. And आप एक stable हैं. अब कोई गुस्सा भी कर रहा है. कोई जल्दी जल्दी हर्ट भी हो रहा है, कोई इनसिक्योर भी फील कर रहा है. अब आपके पास चॉइस है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये रिएक्शंस जो हैं ये कमजोरी की निशानी है, ये बीमारी की निशानी है. तो अब आप उनको हील करेंगे, प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, या खुद भी बीमार हो जाएंगे और कहेंगे इन्होंने गुस्सा किया तो मैंने भी गुस्सा किया, इन्होंने रिएक्ट किया तो मैंने भी रिएक्ट किया. मैं तो सपोर्टिंग करूंगा. तो वो ठीक करने के लिए खुद कैसे रहना पड़ेगा? स्टेबल. स्टेबल. तो हम तब ये नहीं कह सकते ना कि बाकी तीन अगर बीमार हैं तो मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ. आपकी बात पे एक पॉइंट ऐसे याद आया कि दो मैंने कोर्ट्स में देखा है, वकील लड़ते हैं, दोनों की लड़ाई में जज इतना स्टेबल रहता है, इतना स्टेबल रहता है, वो खुद नहीं लड़ पड़ता ना, वो चिल्लाता है, वो हिलता भी नहीं उसके दिमाग, ताकि उसको डिसीजन करेक्ट लेनी है. क्योंकि अगर वो थोड़ा भी डिस्टर्ब हो गया, डिसीजन मेकिंग पावर अफेक्ट हो जाएगी. यहाँ के डिस्टर्बेंस दैट्स व्हाई वी सेड अगर आत्मा कमजोर, माइंड डिस्टर्ब्ड, बॉडी इल, रिलेशनशिप्स वीक. इसी तरह जैसे जज है, हमारे अंदर का जज अगर स्टेबल हो तब हमारी आर्ग्यूमेंट में, डिस्कशन में कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता क्योंकि आई एम स्टेबल, मैं तो देख रहा हूं. तो अब हम आई एम स्टेबल, उसके लिए हम दूसरों की वेट नहीं कर सकते ना. आपने कहा अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100,000 लोग हैं, अब चाहे 3 लोग हो चाहे 100,000 लोग हो, इक्वेशन रिमेन्स द सेम कि सबको चेंज करने की वेट नहीं कर सकते हैं. सबको ठीक हो जाए, सब परिवर्तन हो जाए, सब समझ जाए, नहीं चीज तो है, सब एक की तो सुनते हैं, कैप्टन की तो सुनते हैं. एवरीबॉडी कैन नॉट बी अ कैप्टन. लिसन आउट ऑफ अथॉरिटी, बट एक है लिसन आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव. यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वो कैप्टन की अपनी स्थिति क्या है. वो कैप्टन ने दूसरों से तो अपना कहना मनवा लिया, ठीक है, लेकिन वो कैप्टन खुद ही खुद का कहना नहीं मानता है. उसका अपना मन ही उसका कहना नहीं मानता है. दूसरों ने तो आउट ऑफ पोजिशन उसका कहना मान लिया, विच इज फाइन, लेकिन खुद ही खुद का कहना नहीं माने तो कहना इसे आई एम अ कैप्टन. क्या हम अपने आप को मालिक समझेंगे? फिर अपने पहले खुद के कैप्टन तो बनो. जब आपने अभी शुरू में क्या मुख से तो अपना बात निकल जाती है, तो मेरा मुख ही मेरा कहना नहीं मानता, तो बाकी सबके मुख मेरा कहना माने, बाकी सब वो बोलें जो मैं समझता हूँ कि सही है, बाकी सब वो करें जो मुझे लगता है सही है. मीन्स एवरीबडी शुड बी इन माई कंट्रोल एंड नॉट मी माई सेल्फ. हाउ विल इट बी? एंड तब मेरी सेंस ऑफ पावर किस में आएगी? एवरीबडी शुड लिसन टू मी. एंड थोड़ा सा अगर किसी ने नहीं सुना, आई विल गेट डिस्टर्ब्ड ऑल ओवर अगेन. तो इट इज नॉट अबाउट अदर पीपल, इट्स अबाउट मी माई सेल्फ मैनेजमेंट. इतनी सारी सेंसेस है हम में कि एक एक को पकड़ पकड़ के कंट्रोल में करना पड़ेगा. कौन से सेंसेस को? बोलने की, देखने की, टच की, फील की. सोचना, सिर्फ एक थॉट, कौन सी सोच मेरे लिए सही है, मैं कौन सा संस्कार मेरे लिए सही है. आज सुबह मैंने ट्राई किया आपका, तो मैंने सोचा देखो अब जो जो मैं सोचता हूँ मैं उसको अवेयर रहूंगा. ब्रश करते करते नहाते नहाते वो तो भूल ही गया वो आपकी बात, और मैं अपने चला किधर किधर किधर, पूरी दुनिया घूम घूम के आया. फिर 15-20 मिनट बाद याद आया कि अरे मुझे तो ये करना था. कोई बात नहीं, तो घुमाता है पूरा मन, घुमाता है मन. अब घुमाता है मन किसको घुमाता है? तो मतलब ये सारी इंद्रियां मेरे ऊपर हावी हो गई ना. जो कमजोर है उसी को घुमा सकता है. तो फिर नहीं घुमाता है मन, नहीं मुझे मन को चलाना है, मन मुझे नहीं चला सकता. मुझे
मन को चलाना है, मन मुझे नहीं चला सकता, ये अगले एपिसोड में इसको बात करेंगे सिस्टर. थैंक यू सो मच. अगर एक मेडिटेशन सर, लेट्स सिट बैक, अपने आप को देखें. आई द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, शरीर का मालिक, मन का भी मालिक, इन कर्म इंद्रियों का मालिक. I am the master. मेरी हर thought, हर feeling, हर कर्म मेरी choice है. कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा. आज सारा दिन में हमने जो कुछ करना है उसके साथ attention कि वो करते हुए हमें फील कैसा करना है. हाउ आर वी गोइंग टू बी व्हाइल डूइंग व्हाट वी हैव टू डू. आज की डायरी, द टू बी लिस्ट, पीसफुल, लवफुल, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, हमारी टू बी लिस्ट. देखिए अपने आप को आज सारा दिन. जो आपकी रूटीन है टू डू करते हुए, आई द बींग, ये कैसा रहेगा सबके साथ. देखिए उन्हीं लोगों के साथ काम करते हुए, परिस्थितियां चैलेंजिंग आएंगी, आई विल बी पीसफुल, understanding, loving, being love is my original nature. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Thank you so much, sister. Thank you. If we think what we have always thought and do what we have always done, then we will get what we have always got. To change our sanskars, we need knowledge and power. Only listening and reading good words is not enough to create a change. The soul is mind, intellect, and sanskars. Mind creates the thoughts. Intellect takes a decision, but only after it repeatedly comes into action, it will become a sanskar. We were doing things so that we could experience peace, happiness, and all the qualities of the being. We thought doing will make us experience the being. Truth is, we will experience the being only when we express it in the doing. When we give energy to others, we are the first one to experience it. We get while we give to others.